जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज भगवान विष्णु जी की कृपा व शुभ ग्रहों की दृष्टि से आज 12 में से 8 राशियां भाग्यशाली रहेंगी। इन 8 राशि वालों में आज है मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, गुरुवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत चित्रा नक्षत्र से होगी और कन्या राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातः काल 6:16 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 6 होगा और आज राहु काल दोपहर 1:36 से आरंभ होकर के अपराह्न काल 3:04 तक राहु काल रहेगा। तो आज राहु काल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। आज दिशा सूल रहेगा दक्षिण दिशा में, तो आज के दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। दक्षिण दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा प्रातः काल 11:45 से आरंभ होकर के दोपहर 12:32 तक सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आज बड़े अधिकारी से अनबन आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण आप बनाए रखें। नए संबंध से भाग्य आपके चमकेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। मित्रों के साथ लंबी दूरी की यात्रा जाना हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम यथावत बने रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। चने की दाल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जला करके ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। यदि आप व्यापारी है तो आज अनावश्यक अधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सरकारी नौकर यदि आप है तो वरिष्ठ अधिकारी के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है, इसलिए आज आपको सतर्क रह करके कार्य व्यवहार करने की आवश्यकता है। सायंकाल के समय सामाजिक संबंध आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। नई योजनाओं की तरफ ध्यान दें, अचानक आपको लाभ मिल सकते हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीली मिठाई का भोग अर्पित करें। पीले पुष्प की माला अर्पित करें और तुलसी पत्र चढ़ा करके ओम श्री विष्णुवे नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज दिन के पूर्वार्ध में छुटपुट लाभ की संभावना अधिक रहेगी। नौकरी व्यवसाय से जुड़े कुछ मुद्दे आपके हल होंगे। कोई भी व्यवसाय छोटा बड़ा नहीं होता है। एक बार अनुभव हो जाए तो बस दुनिया आपकी मुट्ठी में है समझिए।
रात्रि का समय मित्रों और परिजनों से हास परिहास में व्यतीत होगा, तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। चने की दाल और पीली मिठाई का भोग अर्पित करके शुद्ध घी का दिया जलावे, यथाशक्ति परिक्रमा करें। ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप अपने आप में ही ज्यादा मस्त रहेंगे, यही आपके लिए बेहतर दिन है। आप किसी भी विरोधी की आलोचना की ओर ध्यान न दे करके अपना काम आप करते रहें, आगे चल करके सफलता आपके कदम चूमेंगी और आप अपने सामाजिक क्षेत्र में मेल जोल बढ़ाने में काफी सफल रहेंगे। इसका भविष्य में आपको काफी लाभ मिलेगा, तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका सुनहरा रंग है। सुनहरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीले वस्त्र और पीले पुष्प की माला अर्पित करें। पंचमेवा और ऋतु फल चढ़ा करके तुलसी दल चढ़ावे और बैठ करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप शत्रु जनित षड्यंत्र लोक अपवाद से बचने का प्रयत्न आज अवश्य करें। अनावश्यक दुश्चिंताओं से मन आपका क्षुब्ध हो सकता है, तनाव मुक्त रहने का प्रयत्न करें। नई उपलब्धियां कड़ी मेहनत से आपको प्राप्त होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व आपके बढ़ेंगे। किसी अनजान व्यक्ति से आज लेन देन करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका आर्थिक नुकसान आज हो सकता है। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के समक्ष शुद्ध घी का आटे का 4 मुखी दीपक जलावें। पीले मिठाई का भोग अर्पित करें। पीला पुष्प चढ़ावें। तुलसी दल चढ़ा करके ओम नमो नारायणाय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज कर्म उद्योग में तत्परता से आपको लाभ मिलेगा। स्वजनों से सुख, पारिवारिक मंगल कार्यों से खुशी आपकी बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा। विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अपने क्रोध पर काबू अवश्य रखें। घर गृहस्थी की समस्या आपकी सुलझ जाएगी। राज्य की मदद मिलने के ज्यादा योग रहेंगे। सूर्यास्त के समय अचानक लाभ होने की संभावना ज्यादा रहेगी, तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीली मिठाई का भोग अर्पित करें। पीला पुष्प चढ़ावे और तुलसी दल चढ़ा करके ओम श्री विष्णुवे नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपके पद प्रतिष्ठा अधिकार महत्वाकांक्षा अंतर्विरोध को जन्म दे सकती है, इसलिए आज आपको थोड़ा सा सोच समझ करके काम करना चाहिए। समस्याओं के समायोचित समाधान न मिलने से मानसिक अशांति भी आपकी बढ़ सकती है। दूर समीप की यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर के स्थगित भी हो सकता है, तो आज आपको धैर्य धारण करना चाहिए। व्यावसायिक शैथिल्यता ग्रह प्रपंच से अंतर्मन आपका क्षुब्ध हो सकता है, इसलिए आज आपको थोड़ा धैर्य धारण करके
स्व आत्मविश्वास से काम करने की आवश्यकता रहेगी, इसी से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य वैसे आपका बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को पंचामृत में केसर लगा करके स्नान करावें, पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले ही पुष्प की माला चढ़ावें, पीले मिठाई का भोग लगा करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन कुछ विशेष करके दिखाने की उधेड़ बुन में व्यतीत होगा। अधिकारी वर्ग से अच्छी सांठगांठ आपकी बनेगी। किसी सरकारी संस्था से दूरगामी लाभ की पृष्ठभूमि तैयार होगी। निराशाजनक विचारों से आपको बचना चाहिए और सकारात्मक विचारों को बढ़ाना चाहिए। सायंकाल जो है संतान पक्ष से अचानक शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष की यथाशक्ति पूजन करें, कच्चा दूध अर्पित करें और चने की दाल अर्पित करके यथाशक्ति परिक्रमा लगावें। ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। किसी विशेष घटनाक्रम के से अंतर्मन का आज भाव आपका शुद्ध हो सकता है। रुका हुआ धन आश्चर्य रूप से प्राप्त हो सकता है। इससे आज आपका विश्वास धर्म एवं आध्यात्म के प्रति बढ़ेगा। रोजमर्रा के कार्यों में कोताही नहीं बरते, आलस्य का त्याग करें। अतीत के संदर्भ में अनुसंधान का लाभ आपको मिलेगा। नए संपर्क से भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण जी के समक्ष शुद्ध घी का दिया जलावें, गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, पीला वस्त्र अर्पित करें, चने की दाल चढ़ावें और पंचमेवा का भोग लगावें, तुलसी दल चढ़ा करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज कार्य क्षेत्र में अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन आपकी हो सकती है, इसलिए आज सोच समझ कर के कार्य व्यवहार करें। दाम्पत्य जीवन में सरसता आज बनी रहेगी। पराक्रम में वृद्धि होने से शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। दिन के उत्तरार्ध में अचानक अतिथियों के आगमन से व्यय भार आपका बढ़ सकता है। सत्कर्म जन्य पुण्य अर्जन से अभिष्ट सिद्धि आपको मिलेगी और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें, शुद्ध घी का दिया जला करके पीली मिठाई का भोग लगावें, यथाशक्ति परिक्रमा करें और ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज ग्रह गोचर के शुभ प्रभाव से आपको सफलता मिलेगी। उत्तरार्ध में वृद्धि और अस्थिरता जन्म दे सकती है। वाहन भूमि आदि खरीदने और स्थान परिवर्तन करने का सुखद संयोग बन रहा है। सांसारिक सुख भोग व घर गृहस्थी के उपयोग की प्रिय वस्तु की खरीदारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करावे। शुद्ध जल चढ़ा करके पीले वस्त्र और पीले पुष्प की माला चढ़ावे। पंचमेवा और ऋतु फल का भोग लगा करके तुलसी दल चढ़ावे और ओम केशवाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति दशम कर्म भाव में धनु राशि का होकर के तथा चंद्रमा गुरु की राशि धनु पर विराजित रहेगा। अतः आज का दिन संतान से जुड़ी समस्याओं को हल करने में व्यतीत होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी विजय होगी। किसी खास उपलब्धि से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा, लेकिन मौसम परिवर्तन का आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव आज पड़ सकता है, इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त हो सकेगा। शारीरिक स्वास्थ्य आज आपका नरम गरम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 10 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीला वस्त्र, पीली ध्वजा और पीले पुष्प की माला अर्पित करें। चने की दाल और पीली मिठाई चढ़ा करके तुलसी दल चढ़ावें और बैठ करके ओम श्री लक्ष्मी पतये नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।